हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो अगस्त मंथ की प्रेडिक्शन होगी। आज हम देखेंगे कि अगस्त मंथ पे आपके ज़िंदगी में कौन आ रहे हैं, कोई न्यू पर्सन है, कोई पास्ट का है, बेसिकली कौन है वो इंसान जो आपको प्यार करने के लिए अगस्त मंथ में आ रहे हैं, आपके लाइफ में आ रहे हैं रोमांटिक वे में, लविंग वे में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। और आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, आज आपको अपने ऑफिशियल नेम का इनिशियल चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको सेकेंड कार्ड को चूज़ करना है। ओके, दिस इज़ ए टू एम, दिस इज़ एन टू जेड। बाकी डिटेल्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए, रेमेडीज़ के लिए मुझे केवल व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स में बहुत जल्द रीओपन करूँगी जैसे ही सारे स्लॉट्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो तब आप अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं, बट अभी के लिए बंद है। तो जल्दी ही मैं रीओपन करूँगी और आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं अगस्त मंथ में आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तो इस कार्ड को मैं बाद में देखूँगी, पहले टैरो देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have Ace of Cups, Three of Wands, Eight of Swords, Page of Wands, but on next we have Page of Cups। So यहाँ पर जो साइंस राशियाँ हैं वो है आउटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशेस, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एंड टॉरस कैप्रिकॉर्न। ओके, ऑलमोस्ट सारे साइंस राशियाँ हैं। तो कौन आ रहे हैं अगस्त मंथ में आपकी ज़िंदगी में? आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन आने वाले हैं जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल बॉन्ड बनने वाला है। ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को प्रेजेंट में जानते हो, यानी कि प्रेजेंट आपके लाइफ में ये इंसान कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आप देखते हो, बात करते हो कभी ना कभी, या फिर ये एकदम न्यू इंसान है। कोई पास्ट का एकदम मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है न्यू लव, स्पिरिचुअल लव, एक ऐसा इंसान जिनका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा आपके लाइफ के अपलिफ्टमेंट के लिए, आपके लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, एंड यू नो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे एक जेन्युइन लवर आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, लेकिन आप इस पर्सन को लेकर क्लियर नहीं हो, ठीक है, कि इस पर्सन के साथ आपका कैसा रिश्ता है, ये इंसान रियलिटी में कैसे हैं। एंड हो सकता है आपके मन में बहुत ज़्यादा घबराहट, फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ है इस पर्सन को लेकर। हो सकता है इस पर्सन को आप भी पसंद करते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन आपके आउट ऑफ लीग है, यानी कि आपके पहुँच से दूर है और आप इनके लेवल को कभी मैच नहीं कर पाओगे। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। ये कोई ऐसा इंसान है जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, फाइनेंशियल कह लूँ, कल्चरल कह लूँ, एज डिफरेंस, ठीक है, जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हो उसका भी डिफरेंसेस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान दूर से आ रहे हो, ठीक है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अलग होंगे, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक पर्सन, एनर्जी से भरपूर, बहुत ज़्यादा फ्लर्टीशियस होंगे, यानी कि यू नो इनकी बात करने का तरीका मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अप्रोच करने वाला होगा। तो इंसान ऐसे इंसान है जो कि लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं, सबके साथ यू नो मजाक मस्ती करना, सबके साथ हेल्दी फ्लर्टिंग करना, खुश रहना, ठीक है, इधर से उधर भागना घूमना, क्यूटनेस है इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये इंसान आपके जेन्युइन लवर होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन नज़र आ रहे हैं, इनके साथ आपका एक अलग ही कनेक्शन होगा, ठीक है। ये इंसान एक ऐसे इंसान है जिनके साथ यू नो आपकी आपको बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दोनों फील कर लोगे एक दूसरे को, ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है, एक दूसरे को पढ़ लोगे बिना यू नो कन्वर्सेशंस किए, ठीक है।
सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी आप दोनों का सिचुएशनशिप बना हुआ है, ये इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका कोई क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ये प्यार है या क्या है, या फिर क्या चल रहा है हम दोनों के बीच में, और मन में इतनी इनसिक्योरिटीज़ क्यों है। तो अगस्त मंथ में वही क्लैरिटी मिलेगा एंड इस पर्सन से आपको प्रपोजल वगैरह मिलने के चांसेस हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान फ्यूचर पर्सन है, यानी कि अगस्त मंथ में ये इंसान आपके लाइफ में अचानक से एंटर करेंगे, ठीक है। ये इंसान आपको किसी ट्रिप में जाओगे तब एंटर कर सकते हैं, किसी नए जगह में घूमने के लिए जा रहे हो ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, किसी के किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो तब आप इनसे मिल सकते हो, ठीक है। या किसी चीज़ की नई बिगनिंग हो रही है तब भी मिल सकते हो, ऑनलाइन भी मिल सकते हो, ठीक है। और भी कार्ड्स हम देखेंगे इस पर्सन की एनर्जीज़ कैसी कैसी होंगी, कौन है ये इंसान, लेट्स सी। इस इंसान के साथ आपका एज गैप हो सकता है, ठीक है। एंड हो सकता है कि ये इंसान एक ट्रैवलर हो, यानी कि घूमते फिरते बहुत हो, और हो सकता है बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो, मतलब उल्टे सीधे काम करना, जैसे बच्चे बदमाशी करते हैं ना वैसे वाली, मतलब कभी कुछ कर, मिस्चीवियस है बेसिकली, ओके। वी हैव लियो, तो इस पर्सन की सन या राइजिंग साइन लियो हो सकती है, फायर साइन में एरीज, लियो सजिटेरियस हो सकती है। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्राउड पर्सन है, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी अचीवमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने आप में रहने वाले, और इनको पता है कि आई एम द बेस्ट, मतलब वो खुद को हमेशा बेस्ट मानते हैं जहाँ पर भी वो जाते हैं, जहाँ पर भी वो रहते हैं, जो भी वो करते हैं वो अपने आप को प्रायोरिटाइज बहुत करते हैं, अपने आप को सबसे बेस्ट फील करवाने के लिए ये इंसान वैसे ही माइंडसेट रखते हैं। और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर सेल्फ बिलीफ है, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन ये साइड जो है ये इंसान ज़्यादा शो नहीं करते हैं, ओके। इस पर्सन की आईज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है, देखिए ये पर्सन खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो का रीडर हो, मजिशियन हो, या फिर इन जनरल हो सकता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेजेस हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा रिलीजन से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, ओके। एंड बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन ये हो सकते हैं, हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, डिग्रीज़ है इस पर्सन के पास, एंड इनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत डीपर लेवल पर ये इंसान सोच समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं इम्पाथ नज़र आ रहे हैं। साथ में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा विजडम है इस पर्सन के पास, ढेर सारी नॉलेज का भंडार है ये पर्सन। एंड इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोगों के लिए पर्सन वर्जिन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं बट यस, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन है कि किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं जल्दी, ठीक है, रोमांटिकली फिजिकली बात बात सबसे करेंगे, फ्लर्ट सबसे करेंगे, ठीक है, मस्ती मजाक करेंगे, लेकिन वो बाहर बाहर तक, अंदर से मुझे लगता है कि ये इंसान अपने पवित्रता में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, चाहे वो मन की पवित्रता हो या शरीर की, ठीक है। सो ये इंसान इस तरीके की है कि इनके माइंडसेट बहुत ज़्यादा ये फ्री माइंडेड हैं एंड बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशंस को भी ये इंसान फॉलो करना जानते हैं एंड उसके इंपॉर्टेंस को भी ये जानते हैं। सो बहुत लोगों के लिए ये इंसान मुझे वर्जिन नज़र आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने सोल को एंड अपने माइंडसेट को पवित्र रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे रिचुअल्स हो सकते हैं करते होंगे या फिर कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डेफिनेटली वो फॉलो करते हैं, एक बाउंड्री में ये पर्सन जीते हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन है ये इंसान, अंदर से भी बाहर से भी, ठीक है, मन में कोई खोट नहीं है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग पर्सन है, बहुत ही खूबसूरत, यानी कोई भी पर्सन इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है बहुत ही ईजीली, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे ये पर्सन। कलर्ड हेयर इनके हो सकते हैं, बालों को ये कलर करवाते हैं एकदम लाइट कलर, ब्लॉन्ड, ठीक है, ब्लूइश एंड ब्राउन कलर, ठीक है, इस तरीके के कलर्ड हेयर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। आईज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, लिप्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत इस पर्सन के होने वाले हैं, चाहे किसी भी जेंडर के हों, ओके। चलिए और भी कार्ड देखते हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रेस्टीजियस पर्सन है, ठीक है, लोग इनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लोग इनसे बहुत पोलाइटली बात करते हैं, लोग इनको पहचानते हैं, तो काइंड ऑफ
फेमस पर्सन या वीआईपी पर्सन ये हो सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को लेकर यू नो इस ये इंसान शो ऑफ नहीं करते. सो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सन ये हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए. Their eyes are magnetic, definitely. Angel of Balance, number 48. Second Chakra Archangel, Ariel, number 36. Adjacent Possibilities, number 24. Bottom deck se we have Walking Away, number 27. So, dekhiye, mujhe lagta hai ki ye jo bhi person hai, inki ek angelic vibe hai, angelic presence hai. Is person ke साथ हो सकता है 24/7 एंजल्स की यू नो प्रोटेक्शन है. एंड ऑल्सो मुझे लगता है ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं आपके लाइफ के अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे को खोलने के लिए. कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, यानी कि इनके साथ आपका कुछ कार्मिक कनेक्शन है जिसकी वजह से यू नो ये एंटर करते ही आपके लाइफ के अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, आपकी लाइफ बेहतर होना शुरू करेगी, आपकी लाइफ में बैलेंस आना शुरू करेगा, आपको प्यार मिलेगा जो प्यार आपको नहीं मिला है. ठीक है, तो मुझे लगता है ये इंसान बहुत जेन्युइन इंसान है. ये इंसान हमेशा आपको चाहेंगे कि आप लाइफ में तरक्की करें, आगे बढ़ें, एंड यू नो वो चाहेंगे कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाए. एंड वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे जिसके आप तलाश में हो, या फिर जो इनसिक्योरिटीज़ अगर आपको खुद से है, ठीक है, इन्फीरियर फील करते हो आप अपने आप से, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जिस तरीके से आप दिखते हो, जिस तरीके से आप जीते हो, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस ये पर्सन आपके अंदर लाएंगे. वो आपको बताएंगे कि आप कितने परफेक्ट हैं और कितने खूबसूरत हैं आप जैसे भी हैं. ये आपको प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करेंगे, ये आपको यू नो लाइफ में तरक्की करता हुआ देखना चाहेंगे. एंड उसके लिए आपको फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है. सो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि प्रेजेंट में इस पर्सन को हो सकता है कि आप इग्नोर करते हो, या फिर ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं कुछ लोगों के लिए. एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान फ्यूचर से ही आ रहे हैं. एंड ये इंसान आपके फ्रेंड वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका सिचुएशनशिप है, यानी कि प्यार मोहब्बत है, दोनों को पता भी है बट समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. ओके, वी हैव पावर. तो देखिए मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होने वाले हो. ओके, सो यही चीज़ जो है आप दोनों को अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे के प्रति. एंड मुझे लग रहा है कि आप दोनों ने अब तक वेट किया है सही इंसान का, तो उसी का रिवॉर्ड आपको अगस्त मंथ में मिलने वाला है. तो अगस्त मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है, बिकॉज इस मंथ में आप ट्रू लवर को एक्सपीरियंस कर पाओगे कि एक सच्चा लवर कैसा हो सकता है या हो सकती है. ओके, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आएगा. पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइलवन. हेलो पाइल नंबर टू, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि अगस्त मंथ पे आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहे हैं, क्या कोई न्यू पर्सन है या पास्ट का कोई है, और बेसिकली कौन है वो इंसान, सब कुछ डिटेल में देखेंगे. सो एक टाइमलेस रीडिंग या जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं. बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो चलिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए. We have 8 of coins. We have King of Wands. The Fool. बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव क्वीन ऑफ कॉइंस. वाओ, सो गाइस यहाँ पर सारे साइंस हैं. फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड ऑर्स एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. सबसे ज़्यादा यहाँ पर फायर साइन एंड अर्थ साइन है, ठीक है. सो देख लेते हैं अगस्त मंथ में आपकी लाइफ में कौन आने वाला है. देखिए अगस्त मंथ में आपकी लाइफ में सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और रैपिडली मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जेन्युइन लोग, जेन्युइन लवर्स आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं. ओके, एंड उसका अंदाज़ा आपको है ही नहीं, ठीक है. आपके लाइफ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है मेजर तरीके से कोई एक ऐसा, देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जेन्युइन तरीके से बहुत
अच्छे वेल सेटल्ड लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपको अप्रोच करना चाहेंगे, आपको डेट करना चाहेंगे, आपको प्यार करना चाहेंगे. एंड इसका आइडिया आपको बिल्कुल भी नहीं है. आपको लग रहा है, हो सकता है आपको लग रहा है कि कोई भी आपको ढंग का कोई पर्सन नहीं मिलता है, या फिर कोई आपको प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है अच्छे खासे, आप स्टक हो अभी भी लव लाइफ में, कुछ ग्रोथ नहीं है. सो वो चीज़ आपको दिख नहीं रहा है. अगस्त मंथ में मुझे लगता है कि आपकी लॉटरी लगेगी, क्योंकि जेन्युइन लोग, जेन्युइन ऑप्शंस आपको अपने लव लाइफ में मिलेंगे और अच्छे खासे. ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं रहोगे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, नहीं. जिस तरीके के लवर्स आप चाहते हो अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, वैसे ही आपको मिलेंगे, और बहुत सारे मिलते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं. पर मेजर तरीके से मुझे लग रहा है कि आपके अगस्त मंथ में कोई ऐसा इंसान इंटर करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, या फिर अबाउट टू बी सक्सेसफुल, यानी कि सक्सेसफुल बनने के रास्ते में हैं. एक ऐसे इंसान जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है ज़िंदगी को लेकर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड हैं, एंड जिनके बहुत बड़े बड़े लाइफ में गोल्स हैं, ठीक है, जो ड्रीमर हैं. कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं जो कि ड्रीमर हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन, किसी पे डिपेंडेंट ना रहना, इंडिपेंडेंट रहना जिनका एक मोटो है. एंड मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड एंड सक्सेसफुल, या फिर वो बहुत जल्दी बनेंगे, ठीक है, मतलब उनका, उनके लक में बहुत ज़्यादा पावर, अथॉरिटी, मनी होने वाला है, और उसी पाथ में, उसी सक्सेस के पाथ में ये इंसान आपसे मिलेंगे अगस्त मंथ में, ठीक है. ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है. तो देखिए, ये एक मेजर पर्सन, तो मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन आने वाला है जिनके प्रति आपका इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट ज़्यादा होगा. लेकिन उसके बावजूद भी अगस्त मंथ से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे डेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, रिलेशनशिप में जाने के लिए, या फिर शादी के लिए भी किसी को चूज़ करने के लिए. बहुत सारे लवर्स आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है, शूटर्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, और जितने भी लोग आएंगे वो ऑलमोस्ट सीरियसनेस के साथ ही आपको अप्रोच करना चाहेंगे. एंड मुझे लगता है कि आप उनमें से चूज़ कर पाओगे कि किसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना है या डेट करना है. चॉइस आपके हाथ में होगा, ठीक है. बट मेजर तरीके से जिस पर्सन की तरह ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, वो एक ऐसे पर्सन है जो कि मुझे दिख रहेगी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, वेल्थी, एंड इनहेरिटेड फैमिली से, वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते हुए, एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, एंड थोड़े से इनसिक्योर अपने लाइफ में, अपने आप को लेकर, अपने आप पे विश्वास ना करना, बट साथ में बहुत ज़्यादा ड्रीमर, अचीवर, एंड इनके लाइफ के बड़े बड़े एम्स हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, ये करना है, ठीक है. कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि जितने भी आपको चॉइसेस मिलेंगे, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंसेस रहेगा, बट ये जो पर्सन है इनके साथ आपका एज डिफरेंस हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है. कुछ लोगों के लिए एकदम सेम एज का भी मुझे नज़र आ रहा है, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हाँ, ठीक है. चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं कि कौन है ये पर्सन बेसिकली. वी हैव कायरन. सो देखिए, ये पर्सन बहुत ज़्यादा यूथफुल दिखेंगे, ठीक है. आउटर अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ही यूथफुल दिखने वाले हैं, ठीक है, नो मैटर इनका एज क्या है, कुछ भी हो, ठीक है. और साथ में मुझे लगता है कि इस इंसान के अंदर एक हीलिंग पावर है, यानी कि ये इंसान जब बात करते हैं किसी से तो बहुत ज़्यादा पोएस तरीके से इंसान रहते हैं. बात करने का तरीका इनका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, यानी कि लोगों की बात को समझते हैं, ठीक है. आपको दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको आप बताना कुछ चाहोगे बट वो समझ कुछ और जाएंगे, मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं. लेकिन ये पर्सन ऐसे पर्सन है जिनको बोल कर ना, बात करके आपको शांति मिलेगी कि चलो मैंने बात की, मेरी बातों को इसने समझा, ठीक है, सही तरीके से कि मैं क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा था या चाह रही थी. तो इस तरीके के पर्सन है, ठीक है. ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान मेडिकल स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पर हीलिंग इन्वॉल्व है, जहाँ पर टीचिंग इन्वॉल्व है, और इस पर्सन के अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है. सिविल सर्वेंट वगैरह भी ये पर्सन हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन है, ठीक है. इन्हें किड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद है, ठीक है. और मुझे लगता है कि इन्हें बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, मतलब ये अंदर से ना बहुत ज़्यादा प्यारे पर्सन है जो कि लोगों को सच में समझते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, इन्वायरमेंट से प्यार करते हैं, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं. तो इनको एनिमल्स, ट्रेस, चिल्ड्रेन, ठीक है, पेड़ पौधे, ये सबसे बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है. भगवान को मानना, ठीक है, भगवान पे आस्था रखना, ठीक है. तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एक स्टार चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है. ये पर्सन आपके अदर हाफ हो सकते हैं, ठीक है. द फिफ्थ हाउस. सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक
मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, बट इन जनरली मुझे लगता है कि डाई हार्ड रोमांटिक पर्सन है, ठीक है, जानते हैं कि रिलेशनशिप्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये पर्सन को पता है कि कैसे कनेक्शंस बढ़ाते हैं, कैसे किसी को प्यार करते हैं, तो आपको कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आर्टिस्टिक पर्सन है, इनको लिखना, पोएम लिखना, पेंटिंग्स करना, ठीक है, या कुछ अपने अपने हाथों से बनाना, कुछ स्किल्स यूज़ ये करते होंगे, तो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है, क्वालिटीज़ इनके अंदर भर भर के है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन ये इंसान है, ओके। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों का ना बहुत इंटेंस लव होने वाला है, ठीक है, ये इंसान आपको इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि आप एक पल के लिए भी नहीं सोच सकोगे कि आप इन्हें छोड़ दोगे या फिर आप किसी और के तरफ जाओगे, इंटेंस लव आप दोनों का होगा। फिफ्थ हाउस यहाँ पर क्लियरली शो कर रहा है कि यू नो, एक हीलिंग लव आपका ये होने वाला है, ये पर्सन आपको हील करने वाला है और आप भी उनको हील करने वाले हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने परफेक्ट बैठोगे कि यू नो, आप दोनों एक दूसरे की शांति होगी, आप दोनों एक दूसरे का घर होगे, ओके, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। वी हैव कैप्रिकॉन, यस, मटेरियलिस्टिक भी होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन बिल्ट होगा इस पर्सन का, बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, जिम फ्रीक हो सकते हैं, या फिर यू नो, अगर ये फीमेल भी होंगी तो इनकी इनके मसल्स होंगे, ठीक है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग बिल्ट होगा, ठीक है। एंड मुझे याद देख रहा है मटेरियलिस्टिक है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है, खुद से अचीव करेंगे तभी उस चीज़ को यू नो यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है बट साथ में चीज़ों की वैल्यू को जानते हैं, वर्थ को जानते हैं, एम्बिशियस पर्सन है, हार्ड वर्किंग बहुत है, रिजिड है, थोड़े चीज़ों को लेकर स्टबॉर्न होंगे, ठीक है, लेकिन परफेक्ट लवर हर एक चीज़, यानी कि इनका ध्यान यू नो एक बैलेंस्ड पर्सन जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पर ये इंसान रोमांटिक भी है, काम पे भी ध्यान है, काम पे भी मन है, ठीक है, प्यार करना भी जानते हैं, रिलेशनशिप में वक्त देना भी जानते हैं, ओके, हीलिंग भी है, अंडरस्टैंड भी करना जानते हैं, बात को समझना जानते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल अमेजिंग है, यानी कि सबसे बेहतरीन, इससे बेहतरीन लवर और कहीं नहीं मिल सकता, ट्रस्ट मी, ओके। सो चलिए और भी कार्ड देखते हैं। बहुत यूथफुल है, थोड़े से चाइल्डिश दिखेंगे, ठीक है, दिखने में थोड़े से मुझे लगता है क्लीन शेव्ड हो सकते हैं या थोड़े से यू नो क्यूट बच्चों टाइप का इनका लुक्स हो सकता है, ठीक है, नो मैटर एज इनका कुछ भी हो। डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34, तो हीलिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर सर्जन भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो कनेक्शन है आप दोनों के लिए हीलिंग होगा, ठीक है, हीलिंग वाला होगा, मतलब फाइनली आप दोनों एक दूसरे के सच्चा प्यार हो गया, एंड ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं जो अगस्त मंथ में आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। इस प्यार को पाकर आप दोनों को महसूस होगा बेसिकली प्यार होता क्या है, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, यस, मुझे लग रहा है कि यू नो फाइनली आप दोनों के सोल्स को शांति मिलेगी, ठीक है, एक डिवाइन लव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, डिवाइन लवर यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन डिसीशन नंबर 8, तो मुझे लगता है कि आप टाइम लोगे, ठीक है, इस पर्सन को चूज़ करने के लिए ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे रहेंगे, मैंने पहले ही आपको बताया, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतने सारे ऑप्शंस के बाद आप इसी पर्सन को चूज़ करोगे जिनके बारे में मैंने आपको भी बताया है, और ये पर्सन न्यू पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन न्यू नज़र आ रहे हैं, प्रेजेंट में कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं बट पास्ट का मुझे इतनी ज़्यादा वाइब्स नहीं आ रही है, पास्ट के भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, तो यहाँ पर हर एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, पास्ट का भी, न्यू भी और प्रेजेंट का भी, तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो इस कार्ड को देख लेते हैं, हमारे पास है बैलेंस, तो देखिए मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बैलेंस कनेक्शन होगा, आप दोनों एक दूसरे के यू नो पीस हो गए, आप दोनों एक दूसरे को आराम से समझोगे, आप दोनों एक दूसरे को यू नो स्पेस दोगे, एंड मुझे लग रहा है आप दोनों एक साथ में अचीव करोगे और भी ज़्यादा, तो ठीक है, मुझे लग रहा है तो आप दोनों का एक परफेक्ट मैच रहेगा जहाँ पर आप लोग यू नो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर एक लेवल पर सेम पेज पर कनेक्ट कर पाओगे, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, चू।